आज मैं फ्री था, मैंने सोचा चले जाए भाई अबीब के पास। और सुनाए आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पियेंगे? नहीं मेहरबानी। वाओ, आज ना दिल कर रहा है भाई भाई अबीब के पास जा कर ना कोई पकौड़े खाने का। इतनी गर्मी में पकौड़े खाएंगे आबिद साहब? आप शौक का मूल नहीं होता। वाओ, मुझे आज भूख लगी, मैंने आपके पकौड़े खाने ही खाने हैं। किसी दिन और खाएंगा मैं आपको। नहीं अभी मुझे बहुत भूख लगी है ना। नहीं आबिद साहब, आप मैं मसरूफ हूँ, किसी दिन और आपको। नहीं, बहुत भूख लग रही है ना। चलो आपके बारे सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदाब भाई, कैसे हैं? अदाब भाई बैठे बैठे बैठे। सुनाए क्या हाल चाल है? कोई टेंशन नहीं है, आज मुझे भूख लगी थी। मैंने सोचा भाई अबीब के पास जाता हूँ, उधर से पकौड़े खाता हूँ। यार पकौड़ों की कोई बात नहीं है, तुम जब भी हम यहाँ पर आते हैं तुम्हें भूख लगी होती है यार, रोज हम आपको पकौड़े खिलाते। यार क्या करें यार, हम डेली कोई ना कोई चीज खाते हैं। आज तुम मेहरबानी करें भाई अबीब को नहीं खिला लाना तुम। यार मैंने अभी एक मेहमानों की दावत की है यार, आज मेरे घर मेहमान है, आज नहीं खिला सकता फिर कभी खिलाऊंगा। ठीक है भाई जान, जैसी आपकी मर्जी। अस्सलामुअलैकुम अबीब भाई, कैसे हो? और सुनाए अबीब भाई, आजकल बड़े मसरूफ हो? जान काम में मसरूफ हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आज मेरा दिल कर रहा है तो मुझे पकौड़े खिलाओ। यार पकौड़े क्यों खिलाऊं, किस खुशी में? यार भूख लगी हुई है मुझे। भूख आपको है, मुझे तो नहीं है ना। फिर आप मेरे संगी है ना, इसलिए। यार आपको पकौड़े फिर किसी दिन खिलाऊंगा, आज मैं मसरूफ हूँ, बिजी हूँ, फिर किसी दिन पकौड़े खिलाऊंगा। यार ये क्या यार, एक और संगी के पास गया था, उसने कहा। तो आप क्यों मिन्नत कर रहे हैं, अपने घर से बनवा के खा लेना। Oh, no. अब मैं आपको नहीं खिला सकता, मैं बिजी हूँ। ठीक है ओके। और भाई अभी अस्सलाम भाई, मुझे भी पकौड़े, आपको भी बोल गया यार, ये तो हमारी बेइज्जती करवा रहा है यार, हर किसी से कह रहा है पकौड़े खिलाओ पकौड़े खिलाओ। आज ऐसा करते हैं, इसको बनाने के साथ इसको मरवाते हैं। कोई ऐसा जुगाड़ बनाओ कि ये फिर ना मांगे आपसे पकौड़े। चलो अच्छा, मेरे पास एक आइडिया आया है। ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम इससे आवेश का इलाज ऐसा करेंगे कि फिर याद रखें। तो मेरे प्लान के साथ उसकी बेइज्जती करवाते हैं और अभी उसको बुलाते हैं। चलो कॉल करो, कॉल करो। आवे साहब जल्दी पहुंचाए हमारे पंप पे, आज हम आपको पकौड़े खिलाएंगे, आपका दिल है तो आप खाएंगे जरूर। हाँ जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। वो अभी कह रहा मैं एक मिनट में आया। ठीक है ठीक है। उतरे आवे साहब, उतरे और ताजे ताजे पकौड़े खा लें। पकौड़े खाने हैं यार आपने, एक तो डिग्गा पान आप में बहुत है, जो चीज देखते हैं उसी पे चीते हो जाते हैं। डिग्गे हाँ जी, क्या पकौड़े खाने हैं? जी जी, पकौड़े कैसे हैं यहाँ पे? कितने के खाने हैं भाई? हैं कैसे, मजे के हैं? इतने मजे के हैं सर जी, आप खाएंगे तो आप रोजाना आएंगे यहाँ पे। चुप कर यार, तू तो एक हर बार इसी तरह करता है। ले आए आप, ले आए ले आए। आज साहब फिर आज पकौड़े आप खा रहे हैं? हाँ जी खा रहे हैं, तुसी खिला रहे हो तो सिखा रहे हैं। पकौड़े हम हमारे साथ खिला रहे हैं, हमारे साथ याद करेंगे कि मुझे पकौड़े दोस्तों ने खिलाए।
यार बेटा ले। ओए गरम गरम ऐसा 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 गरम गरम पूरी पीछे पीछे। ए छोटे भाई पानी ले आओ। हाफिज साहब खाएं खाएं मजे क्या है खाएं। बहुत गर्म है यार। गर्म है तो खाएं। बहुत टेस्टी है यार। बिल्कुल सर जी किसी और चीज की जरूरत हो तो मैं बता दे। हाँ जी और ले नहीं नहीं बस क्या है ये तो खा ले पहले। पीछे पीछे ये मुझे खाने दो। क्यों बस मुझे भूख बहुत है। बड़े मजे देने होए पकौड़े होए होए चाशन आ गई। ओए होए बड़े मजे देने पकौड़े। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तुम्हें तो मैं पीऊंगा। बहुत मजे हैं। किधर गए मौलाना साहब। पैसे तो दे दो। पैसे यार मेरे दोस्त दे गए हैं। साहब पैसे दे मेहरबानी। ये आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त पैसे दे गए हैं। आपके दोस्तों ने हमें क्या दिया है रेडी की कागज दी है। ऐसे नहीं यार ऐसे बात ना करो मेरे दोस्त। भाई जी आप मौलाना साहब हैं तो आपकी मेहरबानी आप हमें पैसे दे। तो ऐसे कर रहे थे फलां चीज लाओ फलां चीज पैसे निकालो हमारे पैसे दो। मेरे पास तो पैसे नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं होते तो वो हमारे साथ आ ले ये प्लेट उठाओ। ओ भाई जान ये क्या हो गया पकौड़े तो मांगे पड़ गए हैं खाने के लिए। पदा 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 पदा। ऐसे दोस्तों से तो मैं भूखा ही अच्छा था धोखा दे के चले गए। अभी मुझे प्लेटें धुआ रहे हैं मुझसे। मैं उनके साथ बोलूंगा ही नहीं और चलूंगा ही नहीं और फिरूंगा ही नहीं। वो कहते ठीक से आग से बात तुम पकौड़े का नाम ही नहीं लेगा। कभी भी नहीं लूंगा पकौड़ों का नाम। फ्री के पकौड़े खाने मुझे महंगे पड़ गए।